रोस्टेक सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, यानी कि आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, कहीं गुम हो गया है और आपके पास अपने आधार कार्ड के नंबर भी नहीं है और एनरोलमेंट नंबर वाली पर्ची भी नहीं है, फिर भी आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अच्छी बात दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, फिर भी आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका आधार कार्ड कहीं गुम हो गया है, क्या आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, आपके पास एनरोलमेंट वाली पर्ची भी नहीं है और आपके पास अपने आधार कार्ड के नंबर भी नहीं है, फिर भी दोस्तों आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अच्छी बात दोस्तों, चलिए देखिए कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें आधार डाउनलोड ऐसा लिख कर सर्च करना है गूगल में। फिर आपको ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, udai.gov.in इसी वेबसाइट पर जाना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट दोस्तों udai.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, आधार की वेबसाइट है। वेबसाइट ओपन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड आधार। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिट्रीव EID/आधार नंबर, आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, रिट्रीव EID/आधार नंबर आपको दिख गया होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर पूरा पूरा नाम लिखना है और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करने हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है बिना कोई मिस्टेक किए, और अपने आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। जो मेरा आधार कार्ड गुम हो गया था उसमें जो नाम लिखा था मैंने वो फिल कर दिया है, साथ ही साथ उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे यहाँ पर फिल कर दिए हैं। फिर आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसे लिख रखे हैं वैसे के वैसे यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है, जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो OTP फिल करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, यहाँ पर मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार की तरफ से OTP अभी सेंड करी गई थी उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके आधार कार्ड के नंबर भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यूअर आधार नंबर सेंड टू यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार की तरफ से मैसेज भी आ गया है, इसी मैसेज में आपके आधार कार्ड के नंबर मिल जाएंगे। और आधार कार्ड के नंबर को आपको कहीं पर नोट कर लेना है, मैं भी नोट कर लेता हूँ। फिर आपको यहीं से डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे माई आधार का वापस होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर मिल चुके हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अभी जो मैसेज में आपको आधार कार्ड के नंबर मिले थे आपके आधार कार्ड के, यहाँ पर आपको फिल करने हैं। फटाफट से मैं अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, मैंने फिल कर दिए हैं। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा कैप्चा फिल करना है। कैप्चा जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा यहाँ पर फिल करना है।
कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा आधार की तरफ से। ओटीपी को यहां पर फिल करना है, फिर वेरीफाई डाउनलोड पर क्लिक करना है। वेरीफाई डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे आधार कार्ड डाउनलोड स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 2 सेकेंड में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, आधार कार्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आधार कार्ड की जो पीडीएफ डाउनलोड हुई है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ओपन करते समय यहाँ पर आधार ने सिक्योरिटी रीज़न से इस पीडीएफ फाइल को सिक्योर किया है। पासवर्ड आपको क्या फिल करना है चलिए बताता हूँ। आपके नाम के शुरू के 4 डिजिट कैपिटल लेटर में, साथ में आपके डेट ऑफ बर्थ का केवल ईयर फिल करना है, जिस भी साल में आपने जन्म लिया है वो साल, जैसे 1999। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई, इसके लिए सॉरी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।